बड़ी खबर आपको बता दे, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ये बेहद अहम खबर है। टीवी 9 भारतवर्ष पर ट्रंप की पार्टी का प्लान एक्सक्लूसिवली सामने आया है, जो आपको थोड़ी देर में हम सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है रितेश टंडन, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी चुनाव में हावी है मोदी फैक्टर, ये कहा है रितेश टंडन ने। मोदी की वजह से ट्रंप को अमेरिकन इंडियन का सपोर्ट यानी समर्थन मिल रहा है। 80-90% इंडो अमेरिकन पीएम मोदी को प्यार करते हैं, ये भी कहा है रितेश टंडन ने। साथ ही यूएस दौरे पर पीएम मोदी ने कहा था इस बार ट्रंप सरकार। प्रधानमंत्री मोदी की जो लहर है वो इंडो अमेरिकन में भी है, अमेरिका में, ऐसा भी कहा जाता है। आप तो वहीं से हैं, आप बताइए क्या इंडो अमेरिकन तबके में जो अमेरिका में है, क्या वहां भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम की लहर है? पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, जो लास्ट मोदी जी ने किया है लास्ट 6-7 सालों में, 40 साल में हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। तो जो भी यहाँ पे भारतवासी हैं वो सभी मोदी जी को प्यार करते हैं, और जो कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं वो भारतवासी हैं ही नहीं। सिंपल बात, उनको उनको प्यार है कि जो कम्युनिस्ट एजेंडा है और कैसे किसी को गिराया जाए। मेरी नजर में 80-90% लोग हैं यहाँ पे जो सभी काफी खुश हैं जो भारत में हो रहा है, एंड वो सभी मोदी जी को अपने हार्ट से प्यार करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 80-90% वहां पर जो इंडो अमेरिकन हैं वो मोदी जी को प्यार करते हैं, तो फिर तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो अमेरिकी चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। जैसे मोदी जी ने आके ट्रंप को इंडोर्स किया और कहा कि इस बार ट्रंप सरकार, वो बहुत बड़ी बात थी। एंड वही मुद्दा देखते हुए डेमोक्रेट पार्टी को समझ में आ गया कि अब कोई भी हिंदुस्तानी के वोट उनको नहीं मिलने वाले हैं, तो वो जाके पाकिस्तान और इस्लामिस्ट में बैठ गए, उनका फोकस उधर हो गया पूरा। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स कैसी है। ये नहीं है कि वो हिंदुस्तानियों के पास वापस आए बताएं कि हम भी आपके लिए काम करेंगे, अब वो हमारे पास आते ही नहीं है। आप देखेंगे उनका, उनके पास मुसलमानों के लिए एजेंडा है पर हिंदुओं के लिए कोई एजेंडा नहीं है। तो रिपब्लिकन कैंडिडेट रितेश टंडन, जिनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ लाइव इस वक्त अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में शुमार है अमेरिका, और वहां पर राज करने वाला सबसे ताकतवर पद होता है राष्ट्रपति का, और उसी का चुनाव होना है अमेरिका में। और देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि अमेरिका के चुनाव में मोदी का मैजिक काम कर रहा है। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, और ये इसलिए भी अहम है कि वहाँ पर इंडो अमेरिकन समुदाय, अंजलि, अच्छी खासी संख्या में है। 1.8 मिलियन ऐसे हैं जो कि वोट करते हैं, टोटल उनकी आबादी 4 मिलियन से ज़्यादा है। और जो ये रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट कह रहे हैं, उनके कहने का आशय साफ है कि पीएम मोदी का जो इंडोर्समेंट है वो वहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट बेस है रिपब्लिकन पार्टी के लिए। तो अगर पार्टी लाइन से हटकर के भी हम बात कर लें तो ये बात बहुत ही साफ है कि मोदी फैक्टर पे वहाँ जमकर चर्चा है, मोदी फैक्टर को वहाँ अपने पक्ष में, वहाँ यूँ समझ लीजिए कि अपने पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मोदी फैक्टर को भी सामने लाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है अमेरिकी चुनाव के लिहाज से। बिल्कुल अभिषेक, ठीक कहा आपने। और इस इंटरव्यू में और भी कई दिलचस्प जानकारियां मिली है कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का जादू अमेरिका में चलता नजर आता है, अभिषेक ने जो बातचीत की है। अभिषेक, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे एक और बड़ी खबर ये भी कि टीवी 9 भारतवर्ष पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार रितेश टंडन ने बहुत बड़ा दावा भी किया। एक एक करके उनके सारे बयान हम आपको दिखा और सुना रहे हैं। ट्रंप संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थक, चुनाव जीता तो यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा उठाऊंगा, ये भी कहा रितेश टंडन ने। रिपब्लिकन पार्टी यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगी, भारत और अमेरिका के बीच गहरे रिश्ते हैं, ये भी कहा है रितेश टंडन ने। वंस आई विन दिस इलेक्शन देन आई एम गोइंग टू वर्क नॉट ओनली अपना गुजरातवासी बट ऑल द गुजराती ऑडियंस, ऑल द इंडियन अमेरिकंस here in the US, as well as I'm going to work for India as well. અને સાથે જ આપણું જો ઇન્ડિયા છે, ઇન્ડિયાનું સિક્યુરિટી કાઉન્સિલમાં પરમાનન્ટ સીટ હોવું જોઈએ, આને માટે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ફાઇટ। आपने बहुत बड़ी बात कही है, देखिए इस बात को मैं दोहराऊंगा। आपने ये कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट होनी चाहिए, और ये लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दे सपोर्ट इट, पर मामला ये है इसमें कि इसको कोई आगे बढ़ाता नहीं है, एंड दिस इज वेयर एक्चुअली आई विल बी स्टैंडिंग एंड बिकमिंग द वॉइस ऑफ आवर हिंदुस्तानी पीपल
इन द वॉशिंगटन। आप इसको उठाने जा रहे हैं, आप इसको जोर शोर से उठाएंगे जितने पर कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिले सिक्योरिटी काउंसिल में। हाँ जी ऑफकोर्स, यहाँ जोर से उठाऊंगा इस मैटर को। और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, पीएम मोदी भी चाहते हैं कि P6 का दर्जा मिले भारत को, यूएन में स्थायी सदस्यता भारत को मिले, और अब जो दावा किया गया रितेश टंडन की ओर से कि डोनाल्ड ट्रंप भी खुद ये सोच रहे हैं कि भारतीय वोटर्स जो अमेरिका में रहते हैं उनका साथ मिला तो हम भारत की मदद करेंगे यूएन में स्थायी सदस्यता दिलाने में। अंजलि देखिए, ये कूटनीतिक लिहाज से भारत के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि भारत के हक में वहाँ पर जो अमेरिका का चुनाव हो रहा है वहाँ पर ये बात भी एक मुद्दा है कि भारत के हक में क्या कर सकते हैं, और ये करने से वहाँ के इंडो अमेरिकन वोटर किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं वो एक बड़ा मसला है। और उन्होंने क्लियर कहा है, रितेश टंडन ने, वो उम्मीदवार हैं कैलिफोर्निया से रिपब्लिकन पार्टी के, कि जीते तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा खुद उठाएंगे, मतलब अमेरिका में वो आवाज यूएस कांग्रेस में बुलंद करेंगे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसके सपोर्ट में। तो ये जिस तरह से भारत के हक में ये समर्थन अमेरिका में बढ़ रहा है, अमेरिकी चुनाव में नजर आ रहा है, इसको एक बड़ी कूटनीति जीत के तौर पर आप देख सकती है। जाहिर तौर पर अमेरिका में रह रहे भारतीय वोटर्स को ये चाहिए कि भारत के लिए कोई पक्का और मजबूत वादा किया जाए और उसे निभाया भी जाए, तभी वोट मिलेगा। अजरबैजान को पाकिस्तान का साथ देने से अमेरिका नाराज है, ये सभी बातें इंटरव्यू में पता चली हैं जो कि रितेश टंडन का इंटरव्यू अभिषेक ने लिया है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार रितेश टंडन ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट को समर्थन करता है, साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ अब कार्रवाई की जरूरत है। ट्रंप आतंकवाद पर पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, पाक पर अजरबैजान के साथ मिलकर युद्ध भड़काने का भी आरोप है। पाकिस्तान का जो रोल उसमें सामने आ रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान पर एलिगेशन है कि अजरबैजान के साथ मिलकर के वो सपोर्ट कर रहा है इस पूरे वार को। देखिए, सपोर्ट तो वो हर एक जितना भी चलता है इस्लामिस्ट का वो सभी में करता है, पर उसके खिलाफ जो है कोई भी एक्शन नहीं ले पाता है। एंड दिस इज द सैड पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड इज। एंड मैं आपको फैक्ट बताऊं तो टाइम आ गया है कि कोई भी अगर इस तरह की एक्टिविटीज जो सपोर्ट कर रहा है वो सब स्टॉप होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप की इस बारे में क्या राय है, आपको क्या लगता है कि वो इस बारे में डिसाइसिव स्टेप लेंगे, पाकिस्तान का ये जो रोल है इस पर? एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलरेडी वॉर्न कर चुके हैं कि ये जितना भी टेररिस्ट एक्टिविटीज है ये बंद हो जानी चाहिए। तो पाकिस्तान को भी सबक सिखाने के मूड में इस बार डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं, और इसलिए उनका एक मुद्दा यह भी है कि पाकिस्तान की सभी हरकतों पर पैनी नजर है। इधर कमला हैरिस पर ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार का बड़ा आरोप, कमला हैरिस भारत के खिलाफ हैं, ये रितेश टंडन ने कहा है। कमला हैरिस ने हिंदुस्तान के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। कमला हैरिस खुद को भारतीय बताकर वोट हासिल करना चाहती है। कमला हैरिस को मैक्सिकन की चिंता है, भारतीयों की नहीं है। कमला हैरिस ने अनुच्छेद 370 का विरोध किया, ये भी रितेश टंडन ने इस इंटरव्यू में कहा। साथ ही वो कहते हैं कि कमला हैरिस कश्मीर में अलगाववादियों के साथ हैं। क्या बताइए, कमला हैरिस को लेकर के आपको आपकी क्या राय है, क्या जानकारी है उनके स्टैंड को लेकर के? देखिए, सिंपल बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। कमला हैरिस जो है, जब वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनी बनी तो फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि मैं इंडियन हूँ, अभी तक तो कभी नहीं बोला उन्होंने। अब जब इंडियंस के वोट चाहिए तब बोला इंडियन हूं मैं। आपको मैं इतना बता दूं, इन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया है अभी तक, बल्कि कमला हैरिस ने जो प्रॉप 16 को भी इंडोर्स किया है, और उनको एग्जैक्टली पता है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट हिंदुस्तानियों और एशियन अमेरिकन को होगा, पर उससे उनको चिंता नहीं है। उन्हें चिंता यह है कि उनको मैक्सिकन के कैसे कैलिफोर्निया में ज्यादा वोट मिलेंगे और कैसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि कमला सिर्फ नाम्स के कारण आप वोट दे देंगे तो बहुत बड़ी गलती होगी। कमला हैरिस इक्वली इन्वॉल्व हैं डेमोक्रेट पार्टी के साथ में, जो भारत के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। जब कश्मीर का आर्टिकल 370 का मुद्दा हुआ था, जब भारत गवर्नमेंट निकाला था, पूरा पार्लियामेंट के साथ, पूरा प्रोसेस के साथ हुआ था, कमला हैरिस बोलती हैं कि चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। साथ हैं मतलब भारतीयों के साथ नहीं, जो कश्मीर में जो हल्ला मचा रहे थे और जो तोड़फोड़ मचा रहे थे, हम उनके साथ हैं। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।